बारा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या से सनसनी फैल गई। बारा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मंडोला गांव की यह पूरी घटना है, जहां पर बुजुर्ग दंपत्ति का दोपहर में घर के अंदर लहूलुहान हालत में शव पड़ा मिला। दरअसल मंडोला के रहने वाले 85 वर्षीय राम कल्याण और उनकी 75 वर्षीय लटूरी भाई अकेले ही परिजनों से अलग रहते थे। यह ब्याज का काम करते थे, साथ ही इन्हें 22 बीघा जमीन भी अलग से जपाई कर अपना जीवन यापन करते थे। आज यह दंपत्ति जब दोपहर में इनका पड़ोसी इनके पास गया तो घर में इन्हें लहूलुहान हालत में देखा, जिसके बाद इसकी सूचना ग्रामीणों को दी गई। उसके बाद सूचना पकड़ कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल FSL टीम और डॉग स्क्वाड द्वारा यहां पर तलाशी की जा रही है तथा हत्या के संबंध में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। एक दंपति की लाश मिली हुई है। सूचना पर मौके पर मैं CO साहब मैं जाप्ता पहुंचे हैं। प्रथम दृष्टया जो लगा है उस पर दोनों पति पत्नी के सर में चोट है, तो प्रथम दृष्टया जो मृत्यु का कारण है इस संबंध में वैज्ञानिक और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया गया है। डॉग स्क्वाड टीम अभी निरीक्षण कर रही है, FSL टीम पहुंचने वाली है। और जो प्रथम दृष्टया अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के फर्स्ट स्टेज पर जो फैक्ट्स आए हैं उसके हिसाब से ये दोनों दंपति अपने परिजनों से अलग रह रहे हैं और सेपरेट ही उन्होंने अपनी ज़मीन कर रखी है। और ये भी फैक्ट्स आए हैं कि उन्होंने लगभग 10-15 लाख रुपए कुछ लोगों को उधार दे रखे हैं। तो अभी किसी नतीजे पे पहुंचना बहुत जल्दबाजी है। सारे फैक्ट्स पुलिस इन्वेस्टिगेशन के क्रम में कलेक्ट कर रही है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से जो फैक्ट्स आएंगे उस आधार पर पुलिस इस दिशा में आगे बढ़ेगी। और जल्दी इस प्रकरण का खुलासा कर दिया जाएगा। लूट की घटना से जोड़ कर लूट की घटना बिल्कुल भी प्रथम दृष्टया लग नहीं रही है, क्योंकि जो दंपति हैं उन्होंने सोने की बालियां और अंगूठियां पहन रखी है, उनको कोई किसी ने टच नहीं किया है और ना ही कोई घर में कोई चोरी छपारी या लूट की ऐसा कोई प्रयास नजर आ रहा है।